साउथ के सुपरस्टार रामचरण आज अपना 39वां जन्मदिन मना रहे हैं। रामचरण साउथ फिल्मों के उन सितारों में से हैं जिन पर अपने पिता का स्टारडम हावी नहीं हुआ और उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। फिल्म आरआरआर से रामचरण ग्लोबल स्टार बन चुके हैं। उन पर फिल्माए गए गाने नाटू नाटू ने 2023 में ऑस्कर जीता। आरआरआर में काम करने के लिए उन्हें डायरेक्टर एसएस राजमौली ने 45 करोड़ रुपए की फीस दी थी, मगर अपनी अगली फिल्म गेम चेंजर के लिए रामचरण 100 करोड़ की फीस चार्ज कर रहे हैं। वैसे रामचरण की गिनती साउथ के सुपरस्टार्स में होती है, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड की भी एक फिल्म की है। आइए अब डालते हैं एक नज़र कि रामचरण क्यों रहे बॉलीवुड से दूर और कैसे बने वो साउथ के सबसे बड़े सुपरस्टार। रामचरण का जन्म 27 मार्च 1985 को चेन्नई में। वो तेलुगु सुपरस्टार चिरंजीवी के बेटे हैं। रामचरण की माँ का नाम सुरेखा है। रामचरण ने 2007 में पूरी जगन्नाथ की फिल्म चिरुथा से अपना करियर शुरू किया। इस फिल्म में उन्होंने चरण नाम के एक युवक की भूमिका निभाई थी जो अपने माता पिता के हथियारों को खोजा। पहली ही फिल्म में रामचरण बेस्ट मेल डेब्यू का फिल्म फेयर साउथ अवार्ड जीतने में कामयाब रहे थे। इसके बाद 2009 में फिल्म मगधीरा रामचरण के लिए उनके करियर में ब्रेक थ्रू साबित हुई। ये उस वक्त तेलुगु सिनेमा के इतिहास की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। फिल्म में रामचरण ने डबल रोल निभाए थे। फिल्म के डायरेक्टर एसएस राजमौली थे। बता दें कि फिल्म ने साउथ फिल्म फेयर में 6 फिल्म फेयर अवार्ड जीते। इसके अलावा 97वें नेशनल अवार्ड में फिल्म को बेस्ट स्पेशल इफेक्ट्स और बेस्ट कोरियोग्राफी के अवार्ड भी मिले थे। इसके अलावा रामचरण को फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला। इस फिल्म के बाद रामचरण तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार की लिस्ट में शामिल हुए। बता दें कि रामचरण ने 2013 में बॉलीवुड में फिल्म जंजीर से डेब्यू किया था। जंजीर अमिताभ बच्चन की फिल्म का रीमेक थी जो 1973 में रिलीज हुई थी, जहां एक और जंजीर ने अमिताभ बच्चन को स्टार बना दिया था और वो स्टारडम की बुलंदियों पर पहुंच गए थे। वहीं इसके उलट रीमेक फिल्म ने रामचरण के बॉलीवुड करियर पर ब्रेक लगा दिया। राम की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इस फिल्म के पिटने से दुखी रामचरण ने फिर करियर में कोई बॉलीवुड फिल्म में काम नहीं किया। 2022 में रिलीज हुई फिल्म आरआरआर रामचरण की अब तक की सबसे सफल फिल्म है। 550 करोड़ की इस फिल्म को बनने में लगभग 4 साल लगे। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ 1300 करोड़ की कमाई की थी। आपको बता दें कि इस फिल्म के मशहूर गाने नाटू नाटू को बेस्ट सॉन्ग का ऑस्कर मिला था। इस गाने को शूट करने में रामचरण को 12 दिन लगे थे। लगातार 7 दिन तक उन्होंने इस गाने की प्रैक्टिस की थी और इस वजह से उनके घुटनों में दर्द भी होने लगा था।